ट्रक वालों से जो है लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये देखो कैसा वाला रोड पे आ चुका हूँ मैं, पूरा धूल ही धूल। भैया ने जो है यहाँ पर चाय और बिस्किट वगैरह लाया, ये देखो। बाबू को हम जाते हुए देखे तो बोले बेटा कहाँ कितने, माने आप इंडिया टूर वाले हो क्या? जसपुर जिला में पहुंच चुका हूँ रायगढ़ से निकल के। आंटी जी हैं जो अभी काम कर रहे हैं, खाना बनाने की तैयारी कर रही है। तो गाइस आज मैं जो है यहीं पर रुका हुआ था भाई के घर, देवेंद्र भाई हैं ये, और ये वाला जो गांव है ये तमनार गांव है, तो यहीं पर जो है रात में रुका हुआ था और खाना पीना और नाश्ता भी हो चुका है मेरा। भाई को जो है बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और खाना भी खिलाया मस्त वाला चिकन वाला खाना खिलाया। अब मैं जो है यहाँ से जाऊँगा मैन पार्ट होकर जो है मैं अंबिकापुर जाऊँगा। तो ये वाला घर है यहाँ दरवाजा, तो चलो मैं निकल रहा हूँ और भाई का दुकान है यहीं पास में, तो ये दुकान जा रहे हैं। तो भाई रास्ते पर निकल चुका हूँ फिर से एक सफ़र में, और अभी जाऊँगा यहाँ से मैं, ये तमनार था तमनार गाँव, तो यहाँ से जो है मैं मैन पार्ट जाऊँगा, मैन पार्ट से जो है मैं अंबिकापुर जाऊंगा। और भाई कल के वीडियो में आपने देखा होगा भाई रोड जो है इतना ज़्यादा खतरनाक था ना, क्या बताऊँ। सुबह का जो है 10 बज रहा है फिलहाल, तो अभी कोई बाइक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैन पार्ट जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर अगर टिकट वगैरह लगेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर जो है हमें अंकल जी मिले हैं, ये जो है हमें लिफ्ट देंगे घर घोड़ा तक, और भाई लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। चलो फिर हम लोग निकलते हैं, है ना। तो भैया ने जो है हमें यहाँ पर गढ़कोड़ा में लाकर छोड़ा हुआ है, और आपका नाम भैया जी? मनबोध निसार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलो अब मैं चलता हूँ, इस भाई ने जो है यहाँ पर लाकर छोड़ा हुआ है, और आपका नाम भाई? उत्तम राठिया। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो गाइस अभी जो है मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा गाँव है टेमर नाम से, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। चलो देखते हैं यहाँ पर लिफ्ट मिलेगा या फिर नहीं। ट्रक वालों से जो है लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं रुक रहे हैं वो लोग, नहीं खोल पा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो है ट्रक वाले भैया से लिफ्ट लिया है, ये देखो ये क्या रेलवे ये बन रहा है क्या लाइन। तो गाइस ये वाले ढाबा पे अभी रुके हैं और खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से हम लोग। तो ये आ गए अपना खाना, सादा खाना। ये भाई ये देखो कैसा वाला रूट पे आ चुका हूँ मैं, पूरा धूल ही धूल फिर से आज। तो अभी कौन सा जगह पर हूँ मुझे भी नहीं पता, और बहुत ही खतरनाक रोड है कल की तरह। और चलो इधर से मैं धर्मजयगढ़ जाऊंगा, धर्मजयगढ़ का रास्ता कैसा होगा मुझे भी नहीं पता। तो भाई हमें जो है लिफ्ट मिल चुका है एक ट्रक में, और भाई ने जो है हमें लिफ्ट दिया है। क्या नाम है भाई आपका? जोगेंद्र सिंह। कहाँ तक जा रहे हो आप? मैं जामपाली खदान तक जाऊँगा। जामपाली खदान, मुझे जो है सीतापुर जाना है, सीतापुर से मैं मैन पार्ट हो। तो अभी ट्रक से जो है उतर चुका हूँ और फिर से जा रहा हूँ पैदल। तो भाई इस वाले रास्ते पर आया हूँ, इतना धूल खाना पड़ रहा है क्या बताऊँ। जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से रोड ख़राब है, रायगढ़ से लेकर अभी पूरा मैं धर्मजयगढ़ जा रहा हूँ यहाँ तक जो है पूरा अभी रोड ख़राब है लगता है मेरे को। और चलो देखता हूँ, बाकी मैं ट्रक वगैरह में लिफ्ट मांगते हुए आ रहा हूँ, बिना पैसे के मैं यात्रा कर रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, कहाँ पर पहुँचा हूँ मुझे भी नहीं पता। और यार जो ट्रक वाले भाई साहब मिले थे वहाँ पर मैं बैठा था उसके ट्रक में, तो चश्मा जो है मेरा वहीं पर मैं भुलाया, मेरे पास एक ही चश्मा था, अब मेरे पास चश्मा नहीं है, धूप जो है आँख में पड़ेगा। रायगढ़ और धर्मजयगढ़ होगा, ये जो हाईवे रोड है पहले से पता होता कि ऐसा है ये हाईवे रोड, तो यार इसमें नहीं आता मैं, कल से ऐसे रोड पर आ रहा हूँ भाई। गाइस यहाँ पर जो है भैया ने जो है लिफ्ट, कहाँ तक जाओगे आप? धर्मजयगढ़ ही जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट धर्मजयगढ़ वाला हमें लिफ्ट मिल चुका है, थैंक यू भैया। क्या नाम है भैया आपका? भैया का नाम राहुल कुमार है। डायरेक्ट लिफ्ट मिला है हमें धर्मजयगढ़ का। तो भैया ने जो है हमें धर्मजयगढ़ में लाकर छोड़ा, धन्यवाद भैया। पत्थर गाँव जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर जो है धर्मजयगढ़ में भैया ने जो है छोटा सा लिफ्ट दिया हमें, और यहाँ पर जो है चलो चाय वाय पीते हैं, भैया चाय पिलाएंगे हमको। तो ये वाला ढाबा जो है ये भैया का है, क्या नाम भैया आपका? आकाश देव। लोकेशन पड़ता है अपना धर्मजयगढ़ में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। वो यहाँ पर ढाबा पर बैठा हूँ और चाय वगैरह पियेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो भैया ने जो है यहाँ पर चाय और बिस्किट वगैरह लाया, ये देखो दो बिस्किट है, मस्त जगह है ऊपर भी, जहाँ पे मन है जैसे भी। हाँ यहाँ पे भी गहराई नहीं है, मतलब नीचे में ज़्यादा गहराई, आगे तरफ जाइएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे देखिए ऊपर में जैसे नहाते हैं, आप तो तैरना जानते होंगे। हाँ जानता हूँ। हाँ। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं डैम के पास, और भैया जो है हमें लेकर आए हैं
और भैया जो है पंजाब से है ना भैया, वहाँ पर हम लोग नहाएंगे और यहाँ का जो नज़ारा है ये भी काफी जबरदस्त है और पानी जो है पूरा साफ सुथरा लग रहा है। और अभी हम खुद यहाँ पे नहाना धोना जो अपना यहीं पर करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो है ये मस्त वाला डैम है और पानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यहाँ का साफ सुथरा है, तो यहाँ पर नहा रहा हूँ मैं अभी। आज यहाँ पर जो है मैं नहा लिया हूँ अच्छे तरीके से, कपड़ा वपड़ा भी चेंज कर लिया हूँ और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीतापुर, वहाँ से जो है मैं मैन पार्ट के लिए निकलूँगा। तो चलो मिलते हैं रोड पर। लिफ्ट लेता हूँ, मिलता है नहीं। ठीक है भैया ने काफ़ी लंबा लिफ्ट दिया है, धन्यवाद। गाइस अभी यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, ऐसे रोड पर रुका हुआ हूँ, ये देखो काफ़ी ख़राब रोड है ये। अभी जो है मैं यहाँ से पत्थलगांव जाऊँगा, पत्थलगांव से जो है सीतापुर जाऊँगा, उसके बाद मैन पार्ट की तरफ जाऊँगा। मैं वेट कर रहा हूँ लिफ्ट का मगर अभी आ नहीं रहा है भाई। टाइम के अभी 3 बजने वाले हैं, लगभग 4 बजे 5 बजे तक ट्रैवल करूँगा अभी लिफ्ट मिलेगा तो। ऐसे रास्ते में भाई ज़्यादातर लिफ्ट नहीं मिलता यार, क्या करूँ। सीतापुर जो है यहाँ से 52 किलोमीटर बता रहा है। तो यहाँ पर जो है भैया ने हमें ट्रैक्टर में लिफ्ट दिया था और अब यहाँ से मैं जाऊँगा पत्थलगांव और आगे देखता हूँ लिफ्ट मिलता है या फिर नहीं, आ जाएगा क्या इसमें। इधर मैं रायगढ़ तरफ जा रहा हूँ, भारत यात्रा करता हूँ। तो भैया ने जो है यहाँ पर हमें इलाका छोड़ा है और यहाँ पर दोस्तों मैं जाऊँगा यहाँ से पत्थलगांव। आपका नाम क्या है भैया जी? मोहन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना लंबा लिफ्ट दिया हमें। देखना आप ये जो नीचे है ना, संजय चक्रधारी ब्लॉक यही वाला है। तो गाइज अभी पहुँचा हूँ मैं बाकारुमा, बाकारुमा नाम का एक गांव है, तो यहाँ पर पहुँचा हूँ और पत्थलगांव जो है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो चलो अभी पैदल जा रहा हूँ, 6 किलोमीटर है इसलिए अभी थोड़ा सा पैदल चल रहा हूँ और भारत यात्रा फ्री में कर रहा हूँ भाई। एक भी पैसा मैंने अभी तक जो है खर्च नहीं किया है अपने जेब से और खाना पीना का जो व्यवस्था है वो लोग जो है हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हो जाता है। और बाकी अपना लिफ्ट तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, हाँ कभी कभी नहीं मिलता और ज़्यादातर मिल जाता है। और आज जो है ज़्यादातर बाइक में लिफ्ट मिला, ट्रक में जो है 1-2 ट्रक में मिला, उसके बाद सिर्फ बाइक में ही लिफ्ट मिला और ट्रैक्टर में मिला। तो एक ट्रक वाला जो है एक ट्रक ड्राइवर ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएशन कर चुका था वो और ट्रक चला रहा था, तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने बोला कि वीडियो मत बनाओ, नहीं आना चाहता वीडियो में ऐसे करके, इसलिए मैं जो है वीडियो नहीं बनाया उसका। तो यहाँ पर जो है ना भैया ने लिफ्ट दिया है, पत्थलगांव की तरफ जा रहे हैं। तो चलो 3 किलोमीटर पहले मेरा काम था। तो अंकल ने हमें यहाँ पर रास्ते में लाकर छोड़ा है और कितना दूर पड़ेगा अंकल यहाँ से? पत्थलगांव 3 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है बताइए? धर्मेंद्र निषाद। ये चैनल है मेरा, आप देखना जी, संजय चक्रधारी ब्लॉग। यहाँ से जो है डायरेक्ट अब पत्थलगांव निकलेंगे और लिफ्ट लेकर देखता हूँ, तो थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं हम लोग। मैं भैया सीतापुर जाऊँगा, ये आप कहाँ तक जा रहे हो? इधर बस स्टैंड पत्थलगांव का, ठीक है वहाँ तक आप छोड़ देना। भाई ने जो है अभी लिफ्ट दिया और यहाँ ये पत्थलगांव में रुका हुआ हूँ, चलो अब मैं चलता हूँ। तो ये वाला शहर यार बहुत लंबा है, तो अभी चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो है जाम पर रुका हुआ हूँ, ये देखो और बहुत जाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर पत्थलगांव में जो है अंकल ने मुझे थोड़ा सा लिफ्ट दिया। आपका नाम है? अच्छा उस साइड बोर्ड लगा हुआ है।
तो गाइस पत्थल गांव में ही एक ट्रैक्टर में जो है मुझे लिफ्ट मिला है, तो ट्रैक्टर में अभी लिफ्ट लेकर जा रहा हूँ और यहाँ से जो है डायरेक्ट मैं सीतापुर जाऊँगा। सीतापुर यहाँ से जो है 30 किलोमीटर दूर है और आज पहुँच पाऊँगा या फिर नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप सूरज को देख रहे हो शाम हो चुका है अभी। तो आज मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ अंकल जी के यहाँ, ये पत्थल गांव बोल दीजिए, पत्थल गांव मदनपुर इंच को पत्थल गांव है, अंबिकापुर रोड पे है। हम तो एक गरीब परिवार से हैं, बाकी बाबू को हम जाते हुए देखे तो बोले बेटा कहाँ कितने मैंने आप इंडिया टूर वाले हो क्या करके पूछे। हाँ अंकल मैं ऐसे निकला हूँ कह करके, तो मैं इनको अपने यहाँ लिफ्ट दे रहा हूँ आज के लिए, मैंने आज रात बिताने के लिए, और कल सुबह मेरे बेटा अपने जहाँ भी जाना है वो जाएंगे सीतापुर और मैन पार्क। सीतापुर फिर सीतापुर टू मैन पार्क कवर कर लेंगे आप। हाँ। कवर कर लीजिएगा आप। आपका नाम क्या है? जगदीश पाले। जगदीश पाले, मेरा नाम जगदीश पाले है, मैं मदनपुर पत्थल गांव का हूँ। पत्थल गांव के हैं, तो आज यहीं पर स्टे करूंगा मैं आज रात को, फिर कल सुबह निकलूंगा मैं। धर्म है जैसे आप पैदल जा रहे हैं, मैंने एक टूरिस्ट आदमी हो तो आपका ख्याल रखना हमारा एक कर्तव्य बनता है। हाँ जरूर, है ना। हाँ। कि भाई कोई जा रहे हैं तो उनसे पूछो, कोई जरूरतमंद है उसको कुछ दो। हाँ। या कुछ आवश्यकता है तो उसके बारे में कुछ विचार करके उस समाधान करो। हाँ। चलो बेटा आप आराम करो, है ना। ठीक है, ये है आज रात का हमारा रुकने का रूम हमारा, और इसी कमरे का जो है अभी मैं रुकूंगा रात में। कूलर और अलमारी बेड यहाँ पर है और सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी जो है मैं रूम में आराम कर रहा हूँ यहाँ पर अकेले, और आज जो है मैं आपको बता देता हूँ, आज जो है मैंने लगभग जो है 80 किलोमीटर सफ़र किया, ट्रैवल किया, और कल जो है मैंने 201 किलोमीटर सफ़र किया था, क्योंकि यार कल मैं जो है पूरा रात तक सफ़र करता रहा, बाद में जो है रुकने का स्थान मिला, और आज जो है 5 बजे है अभी और मुझे रुकने का जगह मिल चुका है, इस वजह से आज 80 किलोमीटर ही सफ़र कर पाया। और अभी जो है इतना सारा सामान पकड़ के चल रहा हूँ तो यहाँ थोड़ा दर्द कर रहा है यार, बहुत सारा सामान पकड़ा हूँ। और जो मैं घर से बिस्किट और चिवड़ा वगैरह खाना अपने लिए जो भी लेकर आया था ना वो सब बैग में पड़ा ही है, क्योंकि लोग जो है खाने के लिए मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो है चूल्हा के पास बैठे हुए हैं, ये देखो खाना बन रहा है और अंकल जी के साथ में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर बातें कर रहे हैं। अभी जो है पठाल गांव में हूँ मैं। पत्थल गांव? अच्छा हाँ, पत्थल गांव। पत्थल गांव है, मैप में जो है पठाल गांव लिखा हुआ नहीं, ये पत्थल गांव, पठाल गांव लोग गलती से लिखा गया, लेकिन पत्थल गांव है। हाँ, जिला जसपुर है, तहसील भी पत्थल गांव है। अच्छा ये जिला जसपुर है? जी जी जिला जसपुर है, ये नियर में ITI है प्लस ये कोर्ट है, है ना, कोर्ट भी है यहीं पे है। जसपुर जिला में पहुँच चुका हूँ रायगढ़ से निकल के, रायगढ़ से निकल चुका हूँ। हाँ जी जी जी, रायगढ़ से निकल जसपुर जिला में आ गए, रायगढ़ जिला अलग है। अब यहाँ से सीतापुर 35 किलोमीटर है यहाँ से, और मेन पार्ट वहाँ से फिर वही करीबन आपको 20 आसपास पड़ेगा, वहाँ से 20 किलोमीटर मेन पार्ट 20-22-25 तक वो पहुँच जाएंगे आप वहाँ तक। तो अपना ये बाबू को मैंने बोला चल रहे थे पैदल, मैंने देखा इनका यूट्यूबर वो जो लिफ्ट वाला, तो मैं बोला कि बाबू कहाँ जाओगे, तो बाबू बोला कि अंकल मैं तो यात्रा में निकला हूँ पद यात्रा में, तो कैसे आज रात कहाँ रुकोगे, तो ये बोला नहीं अंकल वही सहारा खोज रहा हूँ आज रुकने के लिए, कहीं रुकने की व्यवस्था बना रहा हूँ। मैं बोला कि चलो बेटा मेरे यहाँ रुक जाना और कल सुबह निकल जाना। तो ये हमारी अतिथि हैं, इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है एक इंसानियत के तौर पर। ये बेटा महासमुंद से आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आज रात मेरे यहाँ बिताएंगे, कल सुबह जैसे भी बनेगा पानी उनी पीकर बढ़ जाएंगे। यहाँ से जैसे आप यहाँ से 10 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे फिर आप सरगुजा पहुँच जाइएगा। अच्छा सरगुजा? हाँ, जो सीतापुर आपका सरगुजा में है, मैन पार सरगुजा में है। और ये अभी आप छत्तीसगढ़ माने सॉरी आप अभी जसपुर जिला में है। जसपुर जिला में है, ये जसपुर जिला है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये। हाँ, आदिवासी क्षेत्र। हाँ, ये क्या है हम अपने तरीके से हर जने को जानते हैं, उनका सेवा भी करना जानते हैं, भाई जो जा रहे उससे पूछना हमारा एक परम धर्म है। हाँ। कि बाबू कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, इस तरह से कैसे पैदल चल रहे हो, जो कि आपकी गाड़ी घोड़ी सब चल रहा है। हाँ। है ना। हाँ। तो ऐसी बात है बाबू, आप अच्छा से रुकिए आज और कल सुबह आप
विदाई यहाँ से ले लीजिएगा। अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, 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 ये आपकी आंटी है? वो आंटी जी है जो अभी काम कर रही है, खाना बनाने की तैयारी कर रही है। खाना बनाएंगी यहाँ पर जो है, चूल्हा चूल्हा है। हम तो गाँव देहात के आदमी है, चूल्हा से ही खाना वाना बनाते हैं। बाबू आया तो हमने सोचा कि अब नया मेहमान है तो हमने तो वो देसी चिकन कटवा के लाए हैं। आए हैं तो कुछ कुछ लाए हैं अंकल जी। हाँ, ये थोड़ा हल्दी मसाला भी। और क्या है अब स्थिति क्या होता है कि ना इसमें उसमें से थोड़ा झंझट होता है, आजकल तो रेडीमेड सब मिलता है। हाँ। तो ये देसी मुर्गा लेके आए हैं बाबू के स्वागत के लिए। आज खाएंगे पिएंगे, सॉरी पीना तो नहीं खाएंगे, ये रात में आएंगे। इधर अंकल जी आप ये रेंट वगैरह देते हैं? हाँ, ये रेंट वाले हैं, ये आरटीआई के बच्चे लोग यहाँ रहते हैं। जी लाइट जल रही है, वो जो लाइट दिख रही है ऊपर ऊपर वो आरटीआई है। तो इधर अंकल जी जो है रेंट में देते हैं कमरा को। हाँ, एक बच्चे रहते हैं और हमारे फैमिली में हम लोग वैसे मेरे 5 बच्चे हैं जिसमें से 2 लड़की 3 लड़का, और एक लड़का रायपुर में है और बड़ा वाला लड़का अभनपुर जीजाम गाँव में है। हाँ, और मेरे बहू बेटे सब वहीं रहते हैं। हम इस घर में मैं और आपके आंटी और एक जो आई थी गुड़िया हमारी नेत्रीन, वो ये हम रहते हैं यहाँ। आपके आंटी शिक्षिका है? अच्छा, टीचर है। हाँ, प्राइमरी स्कूल के HM है ये। अच्छा, आंटी जी जो है टीचर है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर। हमारे से जो भी बन रहा है उस तरह से आपका सेवा करेंगे बाबू, और आपको सुरक्षित रखेंगे यहाँ। बाकी आप मेन पार्ट भी जाइएगा तो ठंड का जगह है, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा ठंड है वहाँ। जहाँ भी घूमेंगे तो वैसे वहाँ तिप्ती लोग ज्यादा हैं, बाकी वो लोग भी दिलेर हैं। आप कहीं भी लिफ्ट मांगोगे मने रुकने के लिए तो मिल जाएगा। और रास्ता में भी अगर किसी से भी लिफ्ट लीजिएगा ना आप, जैसे वो पहाड़ी क्षेत्र है, वो पहाड़ी क्षेत्र मतलब क्या है, पूरा जंगल रास्ता है। हाँ। उधर थोड़ा हाथी का आतंक ज्यादा है। अच्छा। तो थोड़ा आपको सोच समझ के उस रास्ते पे चलना भी होगा, पैदल चलने में। वैसे रास्ता है जो बस आती जाती रहती है, गाड़ियां भी आती जाती रहता है। हाँ। ऐसे नहीं है कि सुनसान इलाका नहीं है। और भरपूर मैनेजर करके आइए, देख के आइए वहाँ का। और रुकना होगा तो वहाँ आप किसी से भी बोलिएगा, माने आपका वो जो पकड़े हैं जो है वो लिफ्ट वाला, वो देख कर हरामी समझ जाएंगे यूट्यूबर है करके। हाँ, वो समझ जाते हैं। हाँ, यूट्यूबर का समझ, मैं तो उसी को देख के पहचाना कि आप यूट्यूबर हो का करके। हाँ, तो कल मैन पार्ट में रुकने का प्लान है, तो कल का दिन कैसा होता है ये आगे वीडियो में आप देखेंगे। वो अभी खाने के लिए बैठे हैं हम लोग, और इधर देखो अंकल जी ने जो है यहाँ पर मुर्गी चिकन पकाया हुआ था, देसी मुर्गा बता दीजिए, देसी मुर्गा। और अंकल जी के साथ यहाँ पर खाने के लिए बैठे हैं, और आंटी जी भी है यहाँ पर, ये देखो छोटी गुड़िया उधर है, और गुड़िया जो है इधर स्टडी कर रही है, 5th क्लास में है। हाय बोलो ना, हाय बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे हाथ हिलाते हैं बेटा। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना। ये मिर्च नहीं खाता मैं। ठीक है बेटा, नहीं खा, प्याज तो खाते हो ना? हाँ, प्याज प्याज खाओ आप, मिर्च मत खाओ। ठीक है, तो फिर खाते हैं आप। ये है गाइस फोल्डिंग वाला मच्छरदानी, ये देखो बहुत अच्छा है, इसको लगाएंगे अभी बेड में। तो ये देखो अपना लग चुका है बिस्तर।